हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 19.2 का मैं पार्ट वन ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर थर्ड से। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, जब भी बात होगी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर की, तो इसका सिंपल सा मतलब है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है होलो सिलेंडर। ओके, होलो सिलेंडर, तो बच्चों जो भी आपको गिवन है उसको आप यहां पर नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, जो बड़ा वाला आर है ये आपका आउटर रेडियस है, यानी कि जो बाहर वाला आपका सिलेंडर है उसका रेडियस है। ओके, ये आपका यहां से लेके यहां तक होगा। ओके, अब देखिए, जो अंदर वाला है आपका सिलेंडर, उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, माने यहां से लेके यहां तक। ओके, तो इसको जो बड़ा वाला है उसको हमने बड़े आर से यहां पर रिप्रेजेंट किया है और छोटे वाले को छोटे आर से। और बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हाइट है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगी हमेशा। ओके, तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं, जो आउटर डायमीटर है उसके लिए रेडियस आपकी हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब छोटा आर हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इनर रेडियस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों, इसके बाद आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है आपकी, ठीक है, यानी कि हाइट के बारे में बोला गया है। ओके, तो चलिए हम यहां पर लिख लेंगे, हाइट इज 35 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ का मतलब ही है हाइट। इसके बाद बच्चों बोला गया है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो इस पाइप का आपको मास फाइंड करना है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो चलिए हम यहां पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो मास ऑफ द पाइप होता है, या आप मास का जो फॉर्मूला है वो सिंपली आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो आप लिखते हैं। ओके, तो आपको यही मास फाइंड करना है। ओके, इसके लिए आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो हम बेसिकली सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। ओके, और डेंसिटी आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना है, 0.6 ग्राम। ओके, ये आपको गिवन है और वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप। ओके, यही तो आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप। ओके, अब ये क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं आपके पास दो सिलेंडर हैं, तो इस केस में क्या होता है, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। तो बच्चों, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए, एक्सटीरियर वॉल्यूम यानी कि जो बाहर वाला आपका सिलेंडर है उसके लिए पूछा है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके लिए रेडियस क्या है, बड़ा वाला आर। ओके, और छोटे के लिए आप छोटा आर यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आपका बाहर आ जाएगा। ओके, अंदर आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालने के लिए। तो आपके पास बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर का वैल्यू मिल चुका है और हाइट का वैल्यू आपको मालूम है,
तो सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सिंपली आपको वैल्यूज को पुट करना है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर करना है आपको, ओके, माइनस आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करना है, इंटू एच यानी आपको 35 लिखना है, ओके। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है, ओके, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो चलिए बच्चों आपके पास वॉल्यूम ऑफ पाइप निकल के आ चुका है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, ओके। तो बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वुड है उसका मास गिवन है 0.6 ग्राम, ओके, और आपको फाइंड करना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब का, ओके। तो आप यहां पर लिख लेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ये आपका वुड है, कितना है 0.6 ग्राम, ये आपको गिवन है। अब आपको निकालना है इतने का, ओके, तो चलिए इसके लिए हम निकाल लेते हैं। आप लिखेंगे हेंस मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड, ओके, इसके लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5720 इंटू मल्टीप्लाई किसे करेंगे, डेंसिटी आपको गिवन है 0.6 ग्राम, ओके, 0.6 ग्राम, ओके, ये आपका आ जाएगा 3432 ग्राम। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, तो सिंपली 1000 से डिवाइड करना है, ओके, ये आपके पास आ जाएगा 3.432 किलोग्राम, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड, यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ इट्स बेस, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो जो भी आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको लिख लें, ओके, आपको गिवन है लेटरल सरफेस एरिया, तो आप यहां पर लिख लेंगे लेटरल एरिया इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, हाइट भी आपको गिवन है तो आप यहां पर लिख लेंगे हाइट, ओके, एच का वैल्यू आपको गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको यूज करना है फॉर्मूला, क्या होता है 2πRh, ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, ओके, और इसका वैल्यू आपको गिवन है, तो इस वैल्यू को आप एज इट इज यहां पर लिख देंगे, ओके, 94.2, ओके। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ओके, इस पाई की जगह आप लिख देंगे 3.14, ओके, एच का वैल्यू आपको गिवन है और आपको निकालना है रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो आर का वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, ओके, एच का वैल्यू 5 रख देंगे, 94.2, ओके। तो अब आप आर का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आर का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना 3 सेंटीमीटर ही आएगा, ओके। तो बच्चों अब आर का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ओके। देखिए वॉल्यूम आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास रेडियस होगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ इट्स बेस और दूसरे में वॉल्यूम, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में इंटरलिंक्ड है, सबसे पहले आपको रेडियस ही निकालनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली वॉल्यूम कभी भी निकाल नहीं सकते जब तक आपको रेडियस का वैल्यू मालूम ना हो, या फिर हम कहें कि आर और एच का दोनों का वैल्यूम जब तक आपको मालूम नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ओके, सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखना है, ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर,
ओके, यही तो आपको निकालना है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही तो होता है आपका। तो चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए, 22/7, या फिर आप लिख सकते हैं 3.14। ओके, ये आपका 3 to the power स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एच का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।